नाउ टुडे वी लर्न द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. तो यहाँ पर चार रूल्स हैं हमारे पास में, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रूल और क्वोशेंट रूल. तो इनमें से फर्स्ट रूल एडिशन अगर रहा दो फंक्शंस का, तो उसको हम डिफरेंशिएशन किस रूल से करेंगे वो यहाँ पर हमको देखना है. तो देखो, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शन, यदि यू और वी ये दो डिफरेंशियल फंक्शंस रहेंगे x के, तो dy वाई बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हमको लेना है. तो प्रूफ में y इक्वल्स टू यू प्लस वी ये हमने ले लिए, जहाँ पर u और v ये x के डिफरेंशियबल फंक्शंस हैं. तो डेल x अगर x का स्मॉल इंक्रीमेंट है, तो डेल u u का स्मॉल इंक्रीमेंट रहेगा और डेल v v का स्मॉल इंक्रीमेंट रहेगा, तो करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट y का वो हो जाएगा डेल y. तो यहाँ पर हमको मिल गया y प्लस डेल y इक्वल्स टू यू प्लस डेल u प्लस v प्लस डेल v. तो अब हम y को ट्रांसफ़र कर दिए, तो हमको मिल गया ये स्टेप, डेल y का वैल्यू मिल गया. तो डेल y इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किए, y का वैल्यू रिप्लेस कर दिए u प्लस v. अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे पूरे इक्वेशन को, तो हमको मिलेगा डेल y इक्वल्स टू डेल u प्लस डेल v. अब डेल x अगर स्मॉल इंक्रीमेंट है x का, तो उसका वैल्यू ज़ीरो तो हमको लेना नहीं है, इसलिए पूरे इक्वेशन को हम डेल x से डिवाइड करेंगे. तो देखो, हमको ये मिल गया डेल y बाय डेल x इक्वल्स टू डेल u प्लस डेल v अपॉन डेल x. इसको हमने सेपरेट कर दिए, तो ये बन गया डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल v अपॉन डेल x. दोनों तरफ हमने लिमिट अप्लाई कर दिए, तो हमको मिल गया लिमिट डेल x टेंस टू ज़ीरो डेल y अपॉन डेल x इक्वल्स टू लिमिट डेल x टेंस टू ज़ीरो दिस ब्रैकेट. तो ब्रैकेट को हमने स्प्लिट कर दिए, लिमिट को अलग अलग कर दिए नेक्स्ट स्टेप में. अब जब हमको स्टेटमेंट में ही दिया है कि u और v डिफरेंशियबल फंक्शन है x के, तो डिफरेंशियबल फंक्शन है x के, तो इसका मीनिंग हो गया कि ये जो लिमिट है, लिमिट डेल x टेंस टू ज़ीरो डेल u अपॉन डेल x, इसका वैल्यू हमको लेना है डी यू बाई डी एक्स, और लिमिट डेल x टेंस टू ज़ीरो डेल v अपॉन डेल x, इस लिमिट का वैल्यू हमको लेना है डी वी बाई डी एक्स. तो ये दोनों वैल्यू हमने राइट हैंड साइड में इक्वेशन वन के पुट कर दिए, तो हमको मिल गया डेल x टेंस टू ज़ीरो डेल y अपॉन डेल x इक्वल्स टू डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल v अपॉन डेल x. अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट है, लिमिट डेल x टेंस टू ज़ीरो डेल y अपॉन डेल x, तो इसको भी हमने डिनोट कर दिए डी वाई बाई डी एक्स से. तो फाइनल प्रूफ हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स. डिफरेंस का भी थ्योरम इसी तरह से हमको प्रूफ करना है, इसलिए नेक्स्ट थ्योरम हमने ले लिए प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस. तो इसी को हम प्रोडक्ट रूल भी कहेंगे. तो देखो, स्टेटमेंट है इफ़ यू एंड वी आर डिफरेंशियल फंक्शंस ऑफ एक्स सो दैट वाई इक्वल्स टू u into v, then dy by dx equals to u dv by dx plus v du by dx. तो इसी को हम कहेंगे फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो प्रूफ में देखो, हमको क्या दिया है, y equals to uv दिया है. इसी के पहले वाले थ्योरम के जैसे ही हम स्टार्टिंग हमारा स्मॉल इंक्रीमेंट से ही करेंगे. तो x अगर डेल x अगर x का स्मॉल इंक्रीमेंट है, तो डेल u यू का स्मॉल इंक्रीमेंट हो गया, डेल वी वी का स्मॉल इंक्रीमेंट हो गया, और डेल वाई वाई का करस्पॉन्डिंग स्मॉल इंक्रीमेंट हो गया. तो हमको इक्वेशन मिल गया वाई प्लस डेल वाई इक्वल्स टू फर्स्ट ब्रैकेट यू प्लस डेल यू इंटू सेकेंड ब्रैकेट वी प्लस डेल वी. तो हमने वाई को ट्रांसफ़र कर दिए, तो नेक्स्ट स्टेप हमको मिल गया. अब फिर से हमने नेक्स्ट स्टेप में वाई का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर दिए, वाई का वैल्यू यू भी रिसब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, तो हमको मिल गया डेल वाई इक्वल्स टू ये स्टेप. तो अब यहाँ पर प्लस यू वी और माइनस यू वी हमने कैंसिल कर दिया, तो हमको मिल गया डेल वाई इक्वल्स टू यू डेल वी प्लस वी डेल यू प्लस डेल यू इंटू डेल वी. ठीक है ना. अब देखो, डेल एक्स फिर से स्मॉल इंक्रीमेंट है एक्स का, तो डेल एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, डेल की वैल्यू हमको ज़ीरो नहीं लेना है. तो पूरे इक्वेशन को हम डेल एक्स से डिवाइड कर दिए, और नेक्स्ट स्टेप में फिर से हमने डेल एक्स को सेपरेट भी कर दिए, तीनों टर्म को राइट हैंड साइड में जो तीन टर्म्स हैं हमारे पास में, उन सबको हमने न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर सेपरेट करके दे दिए. तो इस तरह से हमको ये स्टेप मिल गया. नेक्स्ट हमको क्या करना है,
डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो ये लिमिट ले लेना है, ठीक है ना। दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हमने लिमिट अप्लाई कर दिए, और नेक्स्ट राइट हैंड साइड में जो लिमिट है उसको हमने सेपरेट भी कर दिए, सारे जितने भी डेल के टर्म्स हैं उनको हमने लिमिट सेपरेट करके दे दिए। अब देखो फर्स्ट लिमिट में लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये तो ठीक है। तो लास्ट में जो लिमिट है देखो उसमें डेल यू इंटू डेल वी ये दो टर्म्स आ गई, तो डेल यू को हमने डेल एक्स दे दिए और डेल वी को सेपरेट रख दिए, तो उसको भी हमने लिमिट अलग से दे दिए। तो इस तरह से देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिमिट सेपरेट कर दिए। अब देखो हमको स्टेटमेंट में दिया है यू और वी डिफरेंशियल फंक्शंस हैं एक्स के, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल यू अपॉन डेल एक्स, इस लिमिट का वैल्यू हो गया डी यू बाई डी एक्स। इसी तरह से लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसका वैल्यू हमको डी वी बाई डी एक्स लेना है, और लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल यू डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू यू डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डी यू अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो। अब देखो ये जो लास्ट ब्रैकेट में ज़ीरो आ गया ये कहाँ से आ गया, तो ये जो लिमिट था हमारे पास में लिमिट डेल वी टेंस टू ज़ीरो डेल वी, ये डायरेक्ट लिमिट का प्रॉब्लम हो गया, तो इसमें हमने ज़ीरो पुट कर दिए। तो ये ज़ीरो पुट करने के से ये जो लास्ट वाला थर्ड टर्म है डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो, ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया, और हमारे पास बचा सिर्फ लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिमिट है हमारा वो भी एग्जिस्ट है, और उसको हम लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स। तो इस तरह से हमारा ये थ्योरम प्रूव हो गया। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट ऑफ फंक्शंस। तो देखो अगर दो फंक्शन का रेशो हमको दिया रहा तो उसका डिफरेंशिएशन हम किस रूल से करेंगे, तो वो है कोशेंट रूल। तो इफ़ यू एंड वी आर डिफरेंशियल फंक्शंस ऑफ एक्स सच दैट वाई इक्वल्स टू यू अपॉन वी वेयर वी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं चाहिए, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। तो ये हमको प्रूव करना है। तो देखो फंक्शन हमको दिया है y इक्वल्स टू यू अपॉन वी, तो यहाँ पर u और v डिफरेंशियल फंक्शंस हैं x के, ये भी हमको दिया है। तो फिर से हम स्टार्ट करेंगे डेल x से जो कि x का स्मॉल इंक्रीमेंट है, तो u का स्मॉल इंक्रीमेंट हो गया डेल u और v का स्मॉल इंक्रीमेंट हो गया डेल v और y का स्मॉल इंक्रीमेंट हो गया डेल y। तो हमको मिल गया y प्लस डेल y इक्वल्स टू यू प्लस डेल u अपॉन v प्लस डेल v, ठीक है ना। तो हमने y को ट्रांसफ़र कर दिए, उसके बाद में y का वैल्यू रिप्लेस कर दिए u अपॉन v। इसको अब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में ये हमको मिल गया। अब न्यूमरेटर को हमको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर दिया हमने न्यूमरेटर को, और जो नेक्स्ट स्टेप है वो मिल गया हमको डेल y इक्वल्स टू v इंटू डेल u माइनस u डेल v अपॉन v प्लस डेल v इंटू v, ठीक है ना। अब फिर से देखो डेल x स्मॉल इंक्रीमेंट है x का, डेल x की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो दोनों साइड को हमने डेल x से डिवाइड कर दिए, और न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन है तो उसको भी हमने डेल x सेपरेट करके दे दिए नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है ना। तो दोनों तरफ अब डेल x टेंस टू ज़ीरो लिमिट अप्लाई करना है, वो कर दिए हमने। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हमको ये जो लिमिट है ये सेपरेट करना है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में हमने लिमिट को सेपरेट कर दिए, और उसके बाद हमको फंक्शन में स्टेटमेंट में ही दिया था कि यू और वी डिफरेंशियल फंक्शन से एक्स के, तो उस हिसाब से लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल यू अपॉन डेल एक्स, इस लिमिट का वैल्यू हो गया डी यू अपॉन डी एक्स, उसी तरह से डी वी बाय डी एक्स, ये दो लिमिट हमको मिल गई। तो डिनोमिनेटर में देखो एक टर्म है हमारे पास में वी स्क्वायर प्लस वी इंटू लिमिट डेल वी टेंस टू ज़ीरो डेल वी, तो डेल वी का वैल्यू हमको ज़ीरो लेना है,
और ज़ीरो लेने से ये वी मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो ये टर्म कैंसिल होगी और हमारे पास बचा लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वेयर। अब देखो राइट हैंड साइड का लिमिट एग्जिस्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड का भी लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट है लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इसको हम डिनोट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स से। तो इस तरह से हमारा ये थ्योरम प्रूव हो गया। तो अब यहाँ पर ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव हमको दिए हैं जो कि हमको प्रॉपर तरह से लर्न करना है और जिसका यूज़ हमको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम हमने ले ली यहाँ पर y इक्वल टू एक्स टू द पावर थ्री अपॉन टू प्लस लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपल प्रॉब्लम है और सभी फंक्शंस एडिशन के फॉर्म में यहाँ पर दिया है, अल्जेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको डिफरेंशिएट करते समय हमने इसको सबसे पहले dy बाई डी एक्स इसको ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करना है, और अलग अलग अगर हमको डिफरेंशिएट किसको करना है तो x टू द पावर 3 बाई टू को डिफरेंशिएट किए तो उसका आ गया 3 अपॉन टू एक्स टू द पावर 1 अपॉन टू। लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 अपॉन एक्स है, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 अपॉन टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम f ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 कोस एक्स प्लस रूट एक्स टेन एक्स। अब देखो यहाँ पर ये जो दो फंक्शन का यहाँ पर एडिशन दिया है एक्स टू द पावर 5 कोसेक एक्स, यहाँ पर ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब प्रोडक्ट है यहाँ पर, इसके बाद के इसमें भी प्रोडक्ट है रूट एक्स और टेन एक्स का। तो दो बार हमको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट ब्रैकेट को हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिए तो हमको मिल गया देखो एक्स टू द पावर 5 डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स प्लस कोसेक एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस सेकंड फंक्शन को भी हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिए रूट एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। अब इन सभी का डेरिवेटिव जब हमने पुट कर दिए तो आंसर आ गया हमारा एक्स टू द पावर 5 ब्रैकेट में माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू 5 एक्स टू द पावर 4 प्लस रूट एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर बन गया माइनस एक्स टू द पावर 5 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 5 एक्स टू द पावर 4 कोसेक एक्स प्लस रूट एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स टेन एक्स। तो दो बार यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम में वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस 5 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 5। तो ये क्वेश्चन रूल का प्रॉब्लम है और यहाँ पर हमको इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। तो y इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस 5 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 5 हमने ले लिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्वेश्चन रूल अपने को अप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे ई टू द पावर एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस 5 माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस 5 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद में हमको मिल गया ई टू द पावर एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर एक्स माइनस ब्रैकेट ई टू द पावर एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर एक्स। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमको मिल गया ई टू द पावर 2x प्लस 5 ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर 2x प्लस 5 ई टू द पावर एक्स। तो पॉजिटिव नेगेटिव 5 पॉजिटिव नेगेटिव ई टू द पावर एक्स कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो 5 ई टू द पावर एक्स प्लस 5 ई टू द पावर एक्स ये हो गया 10 ई टू द पावर एक्स, और डिनोमिनेटर में ई टू द पावर एक्स प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस तरह से ये आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम में y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स हमको दिया है, इसको भी हमको विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ब्रैकेट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हमने ले लिए है। अब इसको हमको यहाँ पर क्वेश्चन रूल के साथ प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन रूल हमने लगा दिए न्यूमरेटर और डिनोमीटर के लिए, तो डिनोमीटर से हमने स्टार्ट कर दिए एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन
ब्रैकेट का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमने एक्स साइन एक्स को यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी लगा दिए, तो एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ब्रैकेट में प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने, माइनस एक्स साइन एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स, ये डेरिवेटिव आ गया। डिनोमेटर में एक्स प्लस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर है ही। तो नेक्स्ट इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया हमारा एक्स प्लस साइन एक्स, सेकेंड ब्रैकेट में आ गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और लास्ट ब्रैकेट में वन प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिए, ब्रैकेट्स रिमूव कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिए। तो सिंप्लीफाई करने के बाद में लास्ट आंसर हमारा बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ब्रैकेट एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर।